बड़ी खबर आपको बता दें, बिजनौर से आ रहे रोडवेज और जीसीएम ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि यहां पर करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। बैराज पर पुलिस चौकी के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस ने यहां पर घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बड़ी खबर बिजनौर से आपको बता रहे हैं, बैराज पर पुलिस चौकी के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। रोडवेज और डीसीएम ट्रक की टक्कर हुई है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। बैराज पर पुलिस चौकी के पास हादसा होने से एक शख्स की मौत हो गई है, एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। रोडवेज और डीसीएम ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बैराज पर पुलिस चौकी के पास यह हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता रोहित त्रिपाठी का। रोहित, हादसा कैसे हुआ, स्थिति क्या है अभी? सबनम, मैं बता दूं, घने कोहरे के चलते और तेज रफ्तार के चलते जो है ये हादसा हुआ है। इसमें जो है दो लोगों की मौत हो चुकी है और सात लोग जो है गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें कि ज्यादा घायलों को जो गंभीर रूप से चार ज्यादा घायल थे उनको जो है मेरठ के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ अभी इसमें जो है मौत की पुष्टि और भी आ सकती है, क्योंकि बहुत दर्दनाक हादसा था, घना कोहरा था और बस ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार से बस को लेकर जा रहा था, जिसमें डीसीएम जो मेरठ की तरफ से आ रही थी उससे आमने सामने की टक्कर हुई है और वहीं पर बस के परखच्चे उड़ गए हैं और साथ ही साथ इसमें मौत की संख्या भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, लोग ज्यादा सीरियस है यहाँ पर, जो लोग घायल हुए हैं। जी सब, मैं बता दूं, चार लोगों को जो है मेरठ जो है हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, वहीं पे करीब पांच लोगों का जो है बिजनौर जिला अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है, लेकिन अभी कुछ कह पाना जो मेरठ रेफर किए गए काफी गंभीर हैं, अभी जो है कुछ कह पाना, मौतों की संख्या बढ़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए।